नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, हमारे जो एमएस वर्ड की जो सीरीज चल रही है 2013 की, वो उसका जो है फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है, अपलोड हो चुका है, तो उसको आपने देख लिया होगा उम्मीद है। तो आपने उसको देख लिया है तो हमने उसमें पूरा जो है एमएस वर्ड के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, मतलब इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसमें कंप्लीट हमने देखा था। तो जिसमें सारी चीजें, मतलब जो जो फंक्शन है, जो जो फीचर्स है, सारी चीजें हमने देख लिया था। अब आज से हम इस लेक्चर का जो है सेकंड, मतलब इस सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट जो हमने देखे थे उसके बारे में सिक्वेंसली जो जो है उस सारे ऑप्शन को हम प्रैक्टिकल करके आपके सामने, मतलब उसको देखेंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई अगर लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो उसके साथ में आप अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और नहीं भी बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कंप्लीट, मतलब मैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, फिर भी आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को जिसमें हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं वहां से लेकर शुरू करेंगे। तो ये तो हो गया, ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिख रहा है, अब लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्लीट दोनों में डिस्प्ले सेम आता है। तो यहां हम देख सकते हैं मेरे पास में विंडोज 10 है, अब आपके पास में विंडोज 8 भी हो सकता है, विंडोज 7 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको स्टार्ट करने की मेथड में सभी प्रकार से बता दूंगा। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखती है, स्टार्ट बटन मतलब विंडो का जो आइकॉन दिख रहा है आपको, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टास्क बार में सबसे नीचे साइड, लेफ्ट साइड में। तो इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखता है, ये आपको स्टार्ट मेनू ओपन होता है। अगर आपको जो है विंडो 7 में स्टार्ट करना है तो इसी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ ऑल प्रोग्राम नाम से एक ऑप्शन होता है, उसमें आप क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे 2013 में। ये तो हो गया 10, तो हम यहाँ से 10 में क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं WORD और 2013 अगर हम लिखते हैं तो आपके सामने 2013 ही आ गया, और एंटर की आप प्रेस कर सकते हैं। एंटर की जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है वो सामने आपके प्रदर्शित हो गया है, जैसे कि हमने पीछे डिस्क्राइब किए थे कि इसके जो सारे ऑप्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और आज हम इसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो यहां जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, तो ये तो पहली स्टेप हो गई, इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरी स्टेप मैं बताता हूं कैसे स्टार्ट करते हैं। आप विंडोज की के साथ आर की प्रेस करेंगे, विंडो के साथ आर की प्रेस करोगे तो आपके सामने रन का जो है बॉक्स सामने आ गया है। रन का बॉक्स में आपको क्या लिखना है, विन वर्ड। विन वर्ड जैसे लिखोगे आप तो आपके सामने फिर से एमएस वर्ड स्टार्ट होकर दिख गया है। तो दोनों ही कंडीशन से आप एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एमएस वर्ड का जो आइकॉन होता है डेस्कटॉप पर भी होता है, तो उससे क्लिक करके भी हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सामने इंटरफेस हो गया, इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है आपको। सबसे पहले आपको रिसेंट जो फाइल्स होती हैं जिसमें हमने वर्क किया है पीछे, तो वो सारी फाइल्स यहाँ जितनी दिखाने की कैपेसिटी है वो आपके सामने दिख रही है यहाँ पे। तो इन फाइल्स में से अगर हम किसी में काम करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी फाइल को हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, पिछले जो डॉक्यूमेंट है हमने बनाकर सेव किए यहाँ पे नहीं है वो, तो उनको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, हम बाद में ओपन करना भी देखेंगे। उसके अलावा सामने आपके यहाँ पे टेम्पलेट बॉक्स दिख रहा है, तो टेम्पलेट में आपको देखो ब्लैंक प्रेजेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है, और नीचे आपको बहुत सारी जो टेम्पलेट है बनी बनाई नजर आ रही है, जैसे कि लेटर से संबंधित हो गया, रिज्यूम से संबंधित, रिपोर्ट से संबंधित, या फिर फैक्स, जो भी है आपके बहुत सारी यहाँ रिपोर्ट नजर आ रही है, रिपोर्ट या जो भी टेम्पलेट है, हम इनमें से किसी को भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं बनी बनाई टेम्पलेट। परंतु हम विस्तार से पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते तो आप ऑनलाइन यहां सर्च भी कर सकते हैं, परंतु अभी हमको देखना ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो गया है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का। जैसे कि आपको पता है यहां सबसे स्टार्ट में हमने देखे थे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है डायरेक्टली, मतलब यूजर जो होता है अपने पर्सनल टूल बार की तरीके से इसको यूज कर सकता है, इसमें ऑप्शन को जोड़ सकता है, इसमें ऑप्शन को हटा सकता है। तो आपको दिख रहा होगा डाउन एरो दिख रही है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहा है। अब इनमें से जो है कुछ पर टिक मार्क लगा हुआ है और कुछ पर नहीं लगा है, तो जिनमें टिक मार्क लगा है वो प्रदर्शित हो रहा है, और जिनमें टिक मार्क नहीं है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इनमें से किसी को प्रदर्शित कराना तो हम इनमें टिक मार्क, मतलब क्लिक कर सकते हैं। क्लिक जैसे ही करोगे, जैसे हम क्विक प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखो क्विक प्रिंट का ऑप्शन जो है ऐड हो गया है, कहां पे, क्विक एक्सेस टूल बार में। अगर हम इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं
मान लीजिए यहां हम देखते हैं ये जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर या अंडू रीड, ये ड्रॉ टेबल को हम हटा देते हैं, तो ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन है आपके सामने से हट गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहां पे, यहां आपको क्या दिख रहा है, टाइटल बार। टाइटल बार में आपको दिख रहा है भाई डॉक्यूमेंट वन लिखा है और वर्ड लिखा है। तो डॉक्यूमेंट वन जो होता है, जैसे कि मैं यहां बता देता हूं, जैसे डॉक्यूमेंट वन लिखा है, डॉक्यूमेंट वन के बाद आपके सामने क्या लिखा है, वर्ड। तो डॉक्यूमेंट जो होता है फाइल नेम होता है, और वर्ड जो होता है एप्लीकेशन का नाम होता है। डॉक्यूमेंट वन कब तक आएगा, जब तक कि आप फाइल का नाम सेव करके बदल ना दे तब तक वो डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री आएगा, नहीं तो वो इसी मतलब वहां पे हमारी इच्छा अनुसार हम फाइल का नाम बदल सकते हैं। वर्ड जो हो गया, हम जिस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वर्ड वो दिखा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट में आपको कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। तो यहाँ पे हेल्प की बटन है, हेल्प की बटन मतलब उसकी शॉर्टकट की होती है, आपको पता होना चाहिए F1। F1 यानी कि जो फंक्शन की होती है वो F1, वो हेल्प के लिए होती है हमेशा, हर एक एप्लीकेशन में सेम वर्क करती है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये आपको बटन दिख रही है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन वाली बटन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहा है। आप पहला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने से कंप्लीटली यहां से रिबन हट गई है, रिबन, टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, सारी चीजें यहां से हाइड हो गई है। फिर से हम उसी ऑप्शन में जाएं तो हम जो है सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, शो टैब। शो टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने टैब, ओनली टैब शो हुई है, मतलब रिबन जो होती है अभी भी शो नहीं हुई है। रिबन किसको बोलते हैं हमको पता है, इसको रिबन बोलते हैं। जब हम वर्क करना चाहें तब हम क्लिक कर सकते हैं, और हम वैसे ही बाहर क्लिक करें तो हट गई है, तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ऑटो हाइड। थर्ड ऑप्शन जो है शो टैब एंड कमांड्स, ये जो है सारी चीजों को शो कर देगा, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार भी शो हो गया है, उसके अलावा देखें तो टैब भी शो हो गई है और रिबन भी शो हो गई है। तो आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, जो रिबन कमांड शो ऑप्शन का है उस बटन से आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है मिनिमाइज के बटन दिख रही है, अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट को हटाकर कहाँ लाना चाहते हैं, टास्क बार में, तो टास्क बार में लाना है तो क्या करेंगे, ऐसे मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है नीचे आपको देखो टास्क बार में ये आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे जो स्टार्ट किए हुए एप्लीकेशन उनका अलग आइकॉन दिख रहा है, और जो पहले से सेलेक्ट है मतलब वहां सेट कर दिया गया, पिन कर दिया गया, उनको आइकॉन को जो फॉर्मेट है अलग दिख रहा है। तो हम एमएस वर्ड को फिर से ला सकते हैं, एमएस वर्ड हमारा फिर से आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंड ऑप्शन से रिस्टोर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन वर्क क्या करता है, अगर विंडो हमारी आधी विंडो मतलब कंप्यूटर की आधी विंडो में प्रदर्शित हो रही है तो ये ऑप्शन जो होगा क्या करेगा, मैक्सिमाइज करने का काम करेगा, और पूरी विंडो में शो हो रही तो उसको रिस्टोर करके वहीं ले जाने का काम करेगा। तो दो वर्क कर रही है एक तरीके से, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। लास्ट ऑप्शन जो है क्लोज, ये आप सभी जानते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड हमारा बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं बंद करता हूं, तो बंद करता हूं तो यहां एक डायलॉग बॉक्स आया, मैसेज बॉक्स भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है, आपने जो फाइल में चेंजेस किए हैं उसको क्या सेव करना चाहते हैं आप। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सेव पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप सेव करना नहीं चाहते हैं तो डोंट सेव पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे सेव पे आप क्लिक करोगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। ये क्या है, सेव एस का डायलॉग बॉक्स, मतलब फाइल को सेव करने का। यहाँ आप फाइल का नाम दे सकते हैं, और यहाँ टाइप आपको पता होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसका जो एक्सटेंशन होगा .docx होगा, और 2003 के पहले के जो वर्जन आते थे, 2003 और 2003 के पहले के, उसमें .doc होता था। तो एक्सटेंशन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 2003 में मतलब .doc में भी सेव कर सकते हैं और docx में भी सेव कर सकते हैं। docx में सेव करना तो वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, और .doc में सेव करना तो 2000 मतलब 97 से 2003 तक के जो भी वर्जन है उसमें हम सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, 2000 .doc में सेव कर देगा। तो यहां से तो आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैं फाइल का नाम बदल देता हूं। अब यहां मैंने फाइल का नाम लिख दिया, क्या ये रख दिया मैंने, सरकार स्टडी वेब्स, तो ये रखा मैंने और सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो फाइल का नाम है सेव करके हमने रखें, तो यहां हम देख सकते हैं ये जो फाइल है, फाइल का नाम देख सकते हैं यहां पे, यहां डॉक्यूमेंट वन की जगह सरकार स्टडी वेब्स हो गया है। तो सिंपल सी बात है, जो फाइल का नाम है हमारी इच्छा अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट वन तो ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद ये तो तीनों बटन हो गई, अब हम देखते हैं यहाँ पे टैब। तो
टैब जो होती है देख सकते हैं आप, ये तो मीनू हो गया, मीनू के फॉर्मेट में ही पिछले जो वर्जन होते थे वो मीनू कहलाते थे। अब मीनू जो होते हैं ऑप्शन का कलेक्शन होते हैं, सिंपल सी बात, उसी को सरल बनाते हुए जो एमएस वर्ड है उसने अपग्रेड करके यहाँ टैब, हालांकि जो 2007 है हमने उसमें टैब फॉर्मेट देखे थे, 2010 में भी हमने टैब फॉर्मेट देखे, अब हम 2013 पढ़ रहे हैं और इसके अलावा 2016, तो कुछ ऑप्शन नए होंगे 2016 के हम कवर कर लेंगे। तो कंप्लीटली जो लेक्चर है हमारा 2013 और 16 पे डिपेंड है, जो 2007 है 2010 तो ओल्ड वर्जन हो गए, जो उसका लुक दिखता था सेम वैसे ही होता था, कुछ ऑप्शन अपग्रेड होकर यहाँ आ गए। तो मीनू को सरल बनाते हुए टैब बना दिया गया है, प्रत्येक टैब के अंतर्गत आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हैं, मतलब ऑप्शन जो दिए हैं आप ऑप्शन समझ सकते हैं, यहाँ देखिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो होम के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए हैं ये रिबन कहलाते हैं, रिबन जो होती है प्रत्येक आप देख सकते हैं ग्रुप के अंतर्गत, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, स्टाइल हो गया और एडिटिंग, ये सारे ग्रुप फॉर्मेट में कमांड्स को अपने में संगठित करके रखता है। ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्क्राइब किए थे पिछले में, इसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब हम स्क्रीन के बारे में, ये तो हो गई रिबन, नीचे देखते हैं रूलर। तो रूलर क्या काम करती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ला देता हूँ, तो हमने टेक्स्ट लाया और ये हमने टेक्स्ट लाकर यहाँ रख दिए, इसका जो अलाइनमेंट है अभी जस्टिफाई कर देते हैं, उसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर से इतनी जगह इसने छोड़ दिया है, लेफ्ट से इतनी और राइट से देखो इतनी, बॉटम से तो हमारा मैटर आधा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो आप नीचे से भी देख सकते हैं कुछ जगह इसने छोड़ दिया है, तो ये जगह क्या है, ये मार्जिन कहलाती है। अब मार्जिन जो होती है चार प्रकार की होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब जैसे यहां देखें तो जो रूलर है, रूलर दो प्रकार की होती है हमको पता है, तो रूलर क्या करती है मार्जिन को लेफ्ट से कितना रखना है वो तय करती है। ये आप देख सकते हैं, आप उसको पकड़कर दोनों, अब ये दोनों कब हो रहा है, दोनों साइड की जो एरो आएगी, ये दोनों साइड की जो एरो दिख रही है आपको, ये इसको पकड़कर आप इधर ड्रैग करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से कंप्लीटली मार्जिन ज्यादा छूट जाएगी। अगर आप राइट साइड से छोड़ना चाहते हैं तो दोनों साइड की जो एरो आई है उसको पकड़कर ऐसे ड्रैग करोगे आप, पकड़ लेफ्ट बटन, तो आपका जो है राइट साइड से मार्जिन कम होते जाएगी। अब कम होना ज्यादा होना दोनों चीजें इससे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और चीज देखते हैं, इसका एक और काम होता है, अब कभी कभी क्या होता है हम पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं, तो इससे हम इसको पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट लाइन का हो गया ये, तो अगर हम फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सब लाइन को क्या करना चाहते हैं आगे, मतलब पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप जो फर्स्ट जो है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट को पहले रख सकते हैं और ये नीचे लेफ्ट इंडेंट को नीचे कर सकते हैं। तो ऐसा आप नीचे कर दोगे तो फर्स्ट को छोड़कर बाकी सभी पैराग्राफ बनकर आएगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पोजिशन पर रखिए तो दोनों बराबर हो जाएगी। ये तो बात हो गई लेफ्ट और राइट की मार्जिन की, टॉप और बॉटम की मार्जिन भी हम देख लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं बॉटम की मार्जिन भी हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट जो रूलर है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये टॉप से बॉटम वाली जो रूलर है वो कहलाती है वर्टिकल रूलर। तो ये तो बात होगी दो प्रकार की रूलर हो गई। अब दो प्रकार की स्क्रॉल बार भी होती है। अब जो रूलर होती है, रूलर आपके सामने अभी प्रदर्शित हो रही है, कभी कभी कंडीशन होती है नहीं प्रदर्शित होती है। तो जो व्यू टैब दिख रहा है तो व्यू टैब में जाकर देख सकते हैं आप, रूलर का जो चेकबॉक्स है उसको आप अनसेलेक्ट कर दोगे तो रूलर आपके सामने से हट गई है, परंतु आप लाना चाहते हैं तो रूलर आप ला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रूलर को शो कराने की और हाइड कराने की। स्क्रॉल बार कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक शो होती है। तो स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को नीचे से ऊपर स्क्रॉल करने के लिए, सिंपल सी बात है, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब एक और होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या करती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होती है यहाँ पे शो होती है। तो अभी शो हो रही क्या, नहीं। कब शो होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको एक पेज में ही पूरी विंडो है चौड़ाई के अनुसार दिख जा रही है, परंतु हम यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं, मतलब जो जूम स्टेटस बार में आपको जूम वाला टैब दिख रहा है, इससे हम जूम को क्या कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो आपके सामने देखो आप स्क्रॉल बार दिख रही है, मतलब लेफ्ट से राइट हम उसको मूव करा पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये तो बात हो गई दोनों, मतलब स्क्रॉल बार और रूलर की, तो दोनों चीजें हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं ये टेक्स्ट एरिया आपके सामने दिख रहा है जिस पर हम वर्क कर सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिए। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी स्पेलिंग को आप मिस्टेक कर दीजिए, तो आप बाद में प्रैक्टिकल करेंगे हम इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है नीचे आपको स्टेटस बार में कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो पेज से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी कौन प्रोवाइड करता है, स्टेटस बार प्रोवाइड करता है। तो इससे संबंधित पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको पेजेस, तो पेज जो है आपके पास दो है,
दो में से हम फर्स्ट नंबर पर वर्क कर रहे हैं ये भी आपको दिखा रहा है। मान लीजिए हम सेकंड पेज पर है, सेकंड पेज पर हम चले गए तो सेकंड से सेकंड मतलब दो पेज में से दूसरे पेज में हम वर्क कर रहे हैं ये आपको दिखा रहा है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस और किस पेज पर आप वर्क कर रहे हैं ये भी आपको नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया पेजेस से रिलेटेड। फिर देख रहा है 717 वर्ड आपको नजर आ रहा है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, 717 यानी कि 717। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट प्रूफिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये है स्पेलिंग से रिलेटेड, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, पर अभी क्लिक करके हम देखेंगे। तो क्लिक जैसे ही करते हैं नेविगेशन पेन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। ये कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो जो वीडियो है उसके स्पेलिंग हमने मिस कर दिए थे, हटा दिए थे, तो इग्नोर यहाँ पे आ रहा है, इग्नोर ऑल आ रहा है, ऐड आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज हो। तो एक एक का मतलब देखते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, अब एक उदाहरण भी लेते हैं हम इसका, रियल लाइफ की यदि बात करें तो आप गोल सेट करके निकले हो और बीच में आपको 10 लोग टोकने वाले हैं, मतलब बोलने वाले मिल गए भाई ये क्या कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उनको झगड़ा करोगे उनसे, नहीं करना है। झगड़ा करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, उनको इग्नोर कर सकते, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा अगर आप उनसे झगड़ा करोगे, तो सिंपल सी बात इग्नोर कर दोगे। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, कभी कभी क्या होता है सही ऑप्शन को भी ये गलत दिखाता है। मान लीजिए हमने छिंदवाड़ा लिखा, तो छिंदवाड़ा जैसे लिखे तो छिंदवाड़ा हमारे हिसाब से सही है पर इसके हिसाब से गलत है, तो हमको दूसरे को नहीं देखना, हमारी स्थिति देखना है कि अगर हमको सही लगता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर जैसे ही करोगे तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर से वो ऑप्शन गलत आएगा। जैसे हम टाइप करके देखते हैं, फिर से टाइप करते हैं छिंदवाड़ा, ये देखिए छिंदवाड़ा फिर से गलत आ गया। तो हम छिंदवाड़ा को बार बार गलती ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो इग्नोर ऑल इग्नोर इग्नोर दोनों जो है इग्नोर करने के लिए, ऐड करके हम क्या कर सकते हैं इसको दोबारा गलती ना आए ऐसा बना सकते हैं। दोबारा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे टाइप करें, तो देखो छिंदवाड़ा जो है सेलेक्ट करें उसको और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा में गलती आती कि नहीं, तो गलती आई क्या, नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने उसको फिट कर दिया भाई कि अब छिंदवाड़ा जो है स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि छिंदवाड़ा कैपिटल में लिखा था, फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ स्मॉल में लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक भी हम देख लेंगे बाद में। अब जो वीडियो लिखा है उसको हम यहाँ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो लिखा है डॉक्यूमेंट गलत है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑल सभी जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ एक एक करके चेंज होगा, इस प्रकार से जो है ऐसे चेंज होते जाएगा और अब फाइनली हमारी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो ठीक हो गई पूरे डॉक्यूमेंट में। तो ये जो हो गया प्रूफिंग का ऑप्शन, और यहाँ हमको दिख रहा है लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन। लैंग्वेज सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, तो इंडिया में रहते हैं हम तो इंग्लिश इंडिया का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम और कोई चीज प्रयोग करना चाहें तो यहाँ से हम इस लिस्ट से स्क्रॉल बार करके कोई भी जो इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे ये ऑप्शन की। अब इधर देखते हैं हम, तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तीन बटन्स, इनको बोलते हैं व्यू बटन्स। तो व्यू बटन्स आपको तीन दिख रहे हैं, रीड मोड दिख रहा है, प्रिंट लेआउट दिख रहा है और वेब लेआउट। तो पहला जो होता है रीड मोड, रीड मोड जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपकी जो विंडो है मतलब एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो रीड मोड में ये ओपन कर देगा। अब यहाँ आप सिर्फ रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, देखिए ये जो बटन दिख रहे हैं देखो यहाँ पे आपको एक बटन इधर दिख रहा है और एक बटन इधर दिख रही है, तो ये जो बटन है आपको दर्शा रहा है भाई एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के एंड पे हो आप, अगर और पेज होते तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया पढ़ने के लिए। फिर सेकंड ऑप्शन जो होता है प्रिंट लेआउट, तो प्रिंट लेआउट क्या होता है, सबसे ज्यादा 99% जो उपयोग करते हैं यूजर वो प्रिंट लेआउट व्यू का करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो डॉक्यूमेंट है उसको बना किस लिए रहे हैं, प्रिंट निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है हम प्रिंट लेआउट व्यू का ही प्रयोग करेंगे। तो प्रिंट लेआउट व्यू क्या करता है, जैसे ही प्रिंटर में प्रिंट निकलेगा वैसे ही वो प्रिंट हमको प्रदर्शित करेगा, किस प्रकार की फॉर्मेटिंग है, किस प्रकार से पैराग्राफ सेटिंग है, कितना बड़ा पेज है, कैसी मार्जिन आएगी, सारी चीजें वो प्रदर्शित करता है, कौन, प्रिंट लेआउट व्यू। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन वेब लेआउट, तो वेब लेआउट जो होता है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपको इंटरनेट में दिखता है ना वेब पेज बिना किसी फॉर्मेटिंग के, आप देखो यहाँ मार्जिन आपको बहुत कम मिली है, रूलर आपकी हट गई है वर्टिकल रूलर, तो ये सारी चीजें यहाँ प्रदर्शित करता है कौन, वेब लेआउट। इंटरनेट में जैसे आपका वेब पेज नजर आएगा वैसे ही आपको वेब लेआउट प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जो लास्ट बटन दिख रही है जूम की, तो जूम की बटन क्या करती है, ये जूम आउट करने का काम करती है और जूम इन करने का काम करती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ, देखिए मैक्सिमम मिनिमम जूम आउट जो है आपका 10 है, देख सकते हैं आप यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है, और मैक्सिमम जूम इन जो है क्या है 500। तो आपके लिए क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ पे कि मिनिमम जूम कितना होता है 10% और मैक्सिमम जूम कितना हो जाता है 500%। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ देख सकते हैं आप, जो विंडो है विंडो को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और बटन दबाने के बाद क्या करना आपको, माउस की जो स्क्रॉल बार उसको आगे घुमाइए तो जूम इन होगा,
पीछे घुमाएंगे स्क्रॉल बार को, जूम आउट होगा। तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं, ये जो वेब लेआउट व्यू है उसको हम प्रिंट लेआउट व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नॉर्मल हमारा व्यू आ गया। आप हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं व्यू मेनू के। कुछ ऑप्शन इसलिए देखना है क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम पूरे ऑप्शन देखेंगे तो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रीड मोड देख लिया हमने, प्रिंट लेआउट देख लिए, वेब लेआउट देख लिए। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं। तो आउटलाइन व्यू में जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपको देखो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है बुलेट्स फॉर्मेट में नजर आ गए। और क्या करेंगे, ये हेडिंग्स लेवल को प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं, कंपनी में देख सकते हैं आप डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के बाद मैनेजर होते हैं, मैनेजर के बाद एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉय के बाद लेबर वगैरह जो भी होते हैं। तो उनकी जो रैंकिंग होती है लेवल में प्रदर्शित होगी। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ये हमने टाइप करे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेवल दे सकते हैं। लेवल वन दे दिए, तो देखो लेवल वन आ गया। एंटर जैसे ही करेंगे हम, तो इसको हम सेकंड नंबर को क्या करेंगे, लेवल टू दे देंगे। क्या इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो अब हार्डवेयर के अंतर्गत कोई चीजें देना है, तो सिंपल सी बात है, लेवल टू तो देंगे नहीं, हम क्या देंगे, लेवल थ्री देंगे। तो इसको लेवल हम क्या कर देंगे, एक डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या पढ़ते हैं, वही कीबोर्ड पढ़ लिए, माउस पढ़ लिए, उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिए, प्रिंटर पढ़ लिए। अब ये सारी चीज हो गई। कीबोर्ड के अंतर्गत भी हम उसके प्रकार पढ़ सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी ये सेकंड लेवल है, हम इसको थर्ड लेवल कर सकते हैं। थर्ड लेवल में हम गए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत। उसके अलावा हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें जिस जिस के अंतर्गत, मतलब ये कैटेगराइज हो गई भाई, कंप्यूटर मेन पार्ट हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसके सब पार्ट हो गए, और हार्डवेयर के अंतर्गत तीन उसके पार्ट हो गए हार्डवेयर के, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत तीन पार्ट हो गए। तो हेडिंग लेवल को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे कितने दे सकते हैं, 9 लेवल तक दे सकते हैं। कुछ ने लेवल नहीं देना है तो इसको बॉडी टेक्स्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, कीबोर्ड को हम एक एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, एक एक स्टेप कम कर सकते हैं। रिमोट बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं प्रमोट। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसे बॉडी टेक्स्ट में, मतलब कोई लेवल नहीं देना है तो इसको कन्वर्ट कर दिए, और इसको डायरेक्टली फर्स्ट लेवल में देना तो ये कन्वर्ट कर दिए। एक एक स्टेप बढ़ाना तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हम नीचे जा सकते हैं। जैसे देखो कीबोर्ड हमारा गलती से क्या हो गया है, मान लीजिए पहले मैं ऊपर कर देता हूं, ये सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम इसे नीचे कर सकते हैं एरो की के माध्यम से। आप सॉफ्टवेयर को क्लिक करके आप प्लस पे क्लिक करोगे या माइनस पे, तो माइनस पे क्लिक करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉलेप्स हो जाएगा। कॉलेप्स मतलब सिकुड़ जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर ने अपने सारे ऑप्शन अपने अंदर समाहित कर लिए। और प्लस पे जैसे क्लिक करोगे तो एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंड मतलब दिखा देना। तो ये तो हो गए आउटलाइन लेवल के बारे में। इसके बारे में ये जो सारे ऑप्शन है वो बाद में पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये वाला सेक्शन। अब हमको ये इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट लेआउट में, तो नॉर्मली आपको ये जैसे है एक लाइन में ही दिख रहा है, पर इसको हमें हेडिंग लेवल देखना है तो हमको कौन सा व्यू प्रयोग करना पड़ेगा, आउटलाइन व्यू प्रयोग करना पड़ेगा। ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट जो होता है नॉर्मल, मतलब फास्ट एडिटिंग यू करना हमको टेक्स्ट में, उसके लिए यूज होता है। और जो हेडर और फुटर है, रूलर है, एक वो नहीं दिखेगी आपको, डॉक्यूमेंट आपका सिंपल दिखेगा। और पेज भी कोई आपको निर्धारित नहीं होगा कि कौन से पेज में आप यहाँ चल रहे हैं। हालांकि पेज आपके जुड़ते जाते हैं पर दिखते नहीं है कि पेज कितने हो गए, जैसे कि वेब लेआउट होता था, सेम वैसे ही नॉर्मल यानी कि ड्राफ्ट व्यू है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है पर वैसे ही होता है। तो ये पांचों व्यू होते हैं एमएस वर्ड में। उसके अलावा हमने रूलर देखे, तो रूलर को शो कराना और हाइट कराना, तो इसको पहले प्रिंट लेआउट में कर लेते। रूलर हमारी हाइट हो गई, शो हो गई। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, ग्रिड लाइन मतलब जैसे ग्राफ फॉर्मेट में हम कुछ यहाँ ला रहे हैं चार्ट वगैरह, या फिर हम टैब फॉर्मेट को सेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम ग्रिड लेआउट से सेट कर सकते हैं आसानी से। और अगर इसको हटाना तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। नेविगेशन पेन हमने देखे थे, जैसे कि हमने हेडिंग लेवल देखे थे, हार्डवेयर पर हमने क्लिक करे तो हार्डवेयर पर चलेगा, सॉफ्टवेयर पर चलेगा, माउस पर चलेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली जैसे हम नेविगेट कर सकते हैं ना वेब पेज में, सेम वैसे यहाँ पे भी हमको नेविगेशन बार दिख रहा है, तो यहाँ हम इसको भी हटा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको बोर लगेगा, तो इसलिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के बचे ऑप्शन हैं उनको कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा कवर करना है हमको, जल्दी नहीं भागना है, क्योंकि दिमाग में कुछ तो आना चाहिए। जल्दी खत्म करने का उद्देश्य ये नहीं है कि खत्म हो गया, हाँ हमने सीख लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा कवर करना है, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादातर चीज़ें दिमाग में ज़्यादा दिन तक फिट रहेगी। तो इसलिए क्या करना है हमको, थोड़ा थोड़ा बिठाना है हमारे दिमाग में अच्छे से।
ताकि ज्यादा समय तक और हमारे एग्जाम में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो लेक्चर था इतना ही हम देखते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं देखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया किसी प्रकार कोई चीज़, तो आप प्रीवियस कर मतलब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और फिर भी कोई कारण मतलब आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें हम उसको सुधारते चलेंगे, या फिर उसके जो भी डाउट्स होंगे उसको पूरा करते चलेंगे। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर को शेयर करें, ताकि सबका इसका फायदा हो सके, एमएस वर्ड सब सीख सकें, तो सबको नॉलेज प्राप्त होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।